दिसंबर तक ये ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत के जितनी संख्या उसका 50% लोग कोरोना अफेक्टेड हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान सरकार भी ये कह रही है कि 65 वर्ष से अधिक के जो बुजुर्ग हैं वो घरों से ना निकले, लेकिन बहुत ही समस्या आ रही होगी आपको, हमें पता है। आप योगा नहीं पकड़ पा रहे हैं, पार्कों में टहलने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सभी जगह जो है उसे बंद किया गया है आपको बचाने के लिए। लेकिन फिर भी कई लोग तकलीफ में जूझ रहे हैं, प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए इस पर भी बहुत सारे सस्पेंस जो है अभी तक बरकरार है। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं श्री साईं हेल्थ केयर सेंटर पे, जहां पर डॉक्टर राजीव हैं हमारे साथ। डॉक्टर राजीव, आप हमें बताएंगे कि कुछ सवाल जो निकल के आ रहे हैं इस कोरोना संकट के दौरान, जो सरकार ये कह रही है कि 65 साल से जो अधिक की उम्र के लोग हैं वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, फिर घरों में रहेंगे, वो अकेले अकेले बोर हो रहे हैं, कैसे करें, योगाभ्यास कहाँ करें, कैसे अपने आप को सतर्क रखें? कोरोना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कहे तो अभिशाप बन के आया है हम लोगों के समाज में, और बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो या यंग जनरेशन हो, धनी हो गरीब हो, मतलब इसमें वो कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। अब हमको समझना है, हमको भेदभाव करना है। अब कोरोना कोई भेदभाव नहीं कर रहा, लेकिन इस बात को ध्यान से सुनना है कि हमें भेदभाव करना है कि हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ अपनी सुरक्षा के ख्याल से, अपने सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए हम कौन सा संस्थान को चुने जहाँ पे हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को मिले, जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ हो। पैसा थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम आपको हर जगह देना पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो मतलब हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, और आप भी समझते हैं कि स्वास्थ्य ज़रूरी है। देखिए, स्वास्थ्य को बात हो रही है, हम अक्सर ये कह रहे हैं, आप उम्मीद है आज से घरों से निकल रहे होंगे, क्योंकि अब अनलॉक 1 शुरू हो चुका है देश में। लॉकडाउन के बाद अब देश को खोलने की शुरुआत कर दी गई है, धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। तो ऐसे में लोगों के मन में सवाल है, अभी तक पार्क नहीं खुले हैं, 2 महीने से वो पार्क नहीं गए हैं, घूमे नहीं हैं, जो लोग सुबह सुबह योगाभ्यास करते थे, एक्सरसाइज करते थे, उनकी बड़ी समस्या हो रही, उनको बहुत समस्या हो रही, कैसे इस वक्त कैसे? देखिए, हम बताना चाहेंगे कि हमारे पास भी जो हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं, अब हम लोग 10 सालों से इस क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं, पेन मैनेजमेंट का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, और ये संस्था हम दिल्ली में, बॉम्बे में, हर जगह हम अपने मरीजों को ट्रीट करते हैं। आपकी हड्डियों में हमको पता है कि आजकल बहुत सारे दर्द से आप लोग परेशान हैं। कैसे घर में, आप बताइए पहले, उपाय बताइए कि कैसे आपके घर में है, शरीर दुख रहा है तो क्या करें? देखिए, घर में तो आप रह रह के तो आप बोर हो गए हैं। ये समस्या मैं डेली 10-20-50 लोगों को मैं डेली एडवाइस करता हूँ, और अभी इस चैनल के माध्यम से भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि खासकर जो स्मॉल योगा प्राणायाम है वो हर कोई थोड़ा बहुत जानता है, तो वो सबसे करके और अपने मेंटल लेवल को दूर कर, थोड़ा म्यूज़िक में ध्यान दे, थोड़ा गाना संगीत पे ध्यान दे, इससे आपका स्ट्रेस कम होगा, थोड़ा सा स्मॉल मूवमेंट है जॉइंट्स का, सुनने से तनाव कम होता है। जी एकदम, ये बहुत जरूरी है, हड्डियों पर काफ़ी अच्छा असर देता है। हाँ, मतलब हम बताएं कि आप म्यूज़िक, अगर आपको कहीं भी टेंशन लगता है और आप अगर संगीत पे ध्यान दीजिए, मंत्र उच्चारण कीजिए, ये आपको स्ट्रेस लेवल को बहुत कम करेगा, और आप हमको लगता है कि स्वस्थ भी रहेंगे। और आप ये भी ध्यान दें कि खान पान भी अभी के टाइम में बहुत जरूरी है। कोरोना संकट के समय बहुत सारे बातें जो है निकल के आ रही हैं, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की बात हो रही है, इम्यूनिटी पावर को। आप अभी कह रहे हैं कि ठीक है, गाना सुनने से स्ट्रेस जो है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन बातें ये निकल के आ रही है कि जो इम्यूनिटी पावर चाहिए खास करके बुजुर्गों को, क्या खान पान में इस्तेमाल करें, क्या खाए पिए कि ज़्यादा इम्यूनिटी पावर हो, प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़े? देखिए, जो हमारा आयुष डिपार्टमेंट कर रहा है, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट के तहत ही मैं बात करूँगा, और लोग कर भी रहे हैं कि आज के टाइम में गिलोय हो गया, तुलसी हो गया, इस तरह के गर्म पानी का आप सेवन करें, विटामिन सी लेवल को इंक्रीज करें। देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि गर्म पानी पीने से कोरोना जो है भाग जाएगा, क्या सही है क्या? नहीं, देखिए, कोरोना भाग नहीं सकता है, वायरस ऐसे इंड नहीं होता, चाहे गर्म हो ठंडा हो, उसे वायरस का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हाँ, बचाव आप कर सकते हैं। क्या होता है कि गर्म पानी जब आप पीते हैं तो आपके गले में, क्योंकि कोरोना वायरस का पहला अटैक तो आपके गले से ही शुरू हो के और आपके लंग्स से अफेक्टेड कर रहा है, तो गले में के अंदर अगर किसी तरह का संक्रमण है तो गर्म पानी से उसका इन्फ्लामेशन, जो सूजन है,
हैं इंटरनल, वो ख़त्म होता है। प्लस साथ ही साथ आप जब गलाला करते हैं और उसमें आपके अंदर में कोई गंदगी फंसी हुई है तो वो बाहर आ जाता है, वास आउट हो जाता है। इसलिए गर्म पानी का प्रयोग ज़्यादा होता है, और ठंडा भी आप पी सकते हैं, लेकिन ठंडा में होता है कि संक्रमण की जो शक्ति होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ऐसे सपोज आपको सर्दी जुकाम है, उसमें आप ठंडा चीज़ लेने लगते हैं तो क्या होगा कि और वो ज़्यादा मतलब बड़े रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि हर खाना हो या पानी हो वो आप गर्म लें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। देखिए फ़ायदेमंद होगा। चलते चलते एक आखिरी सवाल भी आपसे लेते हैं, ठीक है? लोग तो आपसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, आपसे जुड़ सकते हैं इस कोरोना संकट के समय। आज से अनलॉक की स्थिति शुरू हो चुकी है, अनलॉक हो चुका है देश, 1 जून से मंदिर मस्जिद भी खुल जाएंगे, कैसे बचें? देखिए बड़ी समस्या है। देखिए हम इसलिए कह रहे हैं, दर्शक हमारे बार बार पूछ रहे हैं, अब तो बसों में सफ़र करना शुरू करेंगे, कैसे बचें? मास्क लगाने से क्या कोरोना खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएंगे? नहीं नहीं, देखिए मास्क लगाने का मतलब ऐसा नहीं कि आपसे कोरोना खत्म हो जाएगा। मास्क से ये होता है कि आप एक दूसरे के चैन से दूर रहेंगे, मतलब अगर आप छींकते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके दूसरे को अफेक्ट करते हैं। मास्क होता है तो सिर्फ आप ही उससे ग्रसित रहते हैं, वो बाहर नहीं जा पाता है। तो ये जस्ट लाइक एक प्रोटेक्शन है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो कहा जा रहा है, प्लस वैसे एरिया में जो कि रेड जोन एरिया है वहाँ ना जाए, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, हमेशा अपने सैनिटाइजर एक अपने पॉकेट में रखें। साथ ही साथ मैं ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि अब लॉकडाउन का जो है धीरे 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 जो क्षमता है कम होते जा रहा है, लोग रोडों पे आ रहे हैं, लेकिन आपको बचने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि सरकार बहुत दिनों तक आपको बांध नहीं सकती है। मैं खुद सरकार में हूँ, हेल्थ में हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ अपने पार्टी का, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि सरकार कब तक आपको घर में रख सकती है? अब आपकी सुरक्षा आपके हाथ में। क्या डॉक्टर्स का जो ये मानना है, आप समझ सकते हैं जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, जून जुलाई में बहुत मुसीबत खड़ी कर जी जी अभी कम्युनिटी चेन होने की संभावनाएं बहुत बृहद हो रही है। आप देखते होंगे कि अभी बड़े बड़े BBC और ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन WHO ये कह रहा है कि आने वाले मतलब दिसंबर तक ये ध्यान दीजिएगा कि हमारे भारत के जितनी संख्या उसका 50% लोग कोरोना अफेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि अगर छूट इसलिए मिली है कि भाई कल का कोई सरकार पे ये दबाव नहीं दे कि आपका बिजनेस बंद कर दिया गया। भाई कल अब आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में रह जाने से आपका रोजी रोजगार चल सकता है, आपके 2-4 महीने आपके बाल बच्चे खा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो कोशिश करें कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बंद करके ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए आप थोड़ा सतर्क रहें क्योंकि आज से अनलॉक की स्थिति हो रही है, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि दिसंबर तक भारत देश की 50% आबादी जो है इस कोरोना की चपेट में आ जाएगी। उम्मीद है आप सतर्क रहेंगे। डॉक्टर राजीव जो हैं, उम्मीद है लोगों का फ़ोन अटेंड करेंगे, लोगों से बात करेंगे, कर भी रहे हैं। उनका नंबर एक बार फिर से आप अपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे। यदि इनसे बात करना है, इलाज करना है, या फिर आपको जानना है अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को भी बता सकते हैं फ़ोन पर। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सार्वजनिक तरीके से नहीं कही जा सकती हैं, तो उनसे भी आप राय ले सकते हैं। डॉक्टर राजीव आपके सहायता के लिए तैयार हैं। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर लाइव स्ट्रीम को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। दिसंबर तक ये ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत के जितनी संख्या उसका 50% लोग कोरोना अफेक्टेड हो जाएंगे।